कोटा भारत के राजस्थान राज्य में चंबल नदी के किनारे पर स्थित राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे पहले कोटा नाम से जाना जाता था, जो प्राचीन संरचनाओं और अतीत से जुड़े महत्व के लिए काफी जाना जाता है। फ्रेंड, ये शहर भव्य महलों, सुंदर झीलों, शानदार स्मारकों, शानदार मंदिरों, संग्रहालयों और विशाल किलों के लिए काफी लोकप्रिय है। यह शहर नवीनता और प्राचीनता का अनूठा मिश्रण है। जहां एक तरफ शहर के स्मारक प्राचीनता का बोध कराते हैं, वहीं चंबल नदी पर बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और मल्टीमेटल उद्योग आधुनिकता का एहसास कराते हैं। यह शहर अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी काफी ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। दोस्तों, ये शहर हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड फोरम की सूची में दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। फ्रेंड, कोटा को शिक्षा का हब भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देश के कई नामी गिरामी इंजीनियरिंग कॉलेज और संस्थान स्थित है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 श्रेणी में आते हैं। इसलिए कोटा शहर को कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया और एजुकेशन सिटी ऑफ इंडिया जैसे नामों के रूप में पहचान मिली है। फ्रेंड, कोटा एक हाड़ौती क्षेत्र है और यहाँ मुख्य रूप से हाड़ौती भाषा बोली जाती है। हाड़ौती कोटा के अलावा बूंदी, बारा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के पड़ोसी इलाकों में बोली जाती है। कोटा में हाड़ौती के अलावा हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी भाषा बोली जाती है। कोटा शहर को जयपुर के बाद राजस्थान में दूसरी सबसे अच्छी रहने लायक जगह माना जाता है। कोटा राजस्थान का 3रा और भारत का 46वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जो लगभग 5217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फ्रेंड, कोटा उन शहरों में से एक है जहां औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। इसे राज्य की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में कई पावर प्लांट और उद्योग स्थापित हैं। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र भी कोटा में ही स्थित है। इसके अलावा यह शहर सूती व कोटा डोरिया साड़ियां, कोटा स्टोन और कचौरी और जलेबी के लिए भी प्रसिद्ध है। फ्रेंड, वहीं साल 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा की जनसंख्या 19 लाख लगभग है और इस शहर की साक्षरता दर 77% है। यहाँ पर 911 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। फ्रेंड, अगर नजर डाले कोटा के इतिहास पर तो पता चलता है कि कोटा इतिहास खुशहालियों और रंगीलियों से भरा हुआ है। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का एक हिस्सा था। मुगल शासक जहांगीर ने जब बूंदी के शासकों को पराजित किया तो कोटा 1624 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, तथा राव माधो सिंह यहाँ के प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठे और 1818 ईस्वी में कोटा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। अब वर्तमान में ये शहर एक आधुनिक व्यवस्थापन से परिपूर्ण है और अपने प्राकृतिक परिवेश और मानव निर्मित चमत्कारों के लिए जाना जाता है। इसी कारण इस शहर को कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का सोया जिला और नंदगांव आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी है। दोस्तों, अगर आपके लिए दुनिया भर के 7 अजूबों को देख पाना मुश्किल है तो चिंता मत करिए, कोटा का 7 वंडर्स पार्क आपका ये सपना जरूर पूरा कर देगा। यह कोटा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसमें दुनिया के सभी 7 अजूबों के लघु चित्र मौजूद हैं। इस पार्क में ताजमहल, ग्रेट पिरामिड, एफिल टॉवर, लीनिंग टॉवर, क्राइस्ट द रिडीमर ऑफ ब्राजील, कोलोसियम और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी शामिल हैं। यह पार्क किशोर सागर झील के किनारे पर स्थित है, जो इस जगह की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। फ्रेंड, इसके अलावा कोटा का दशहरा राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कोटा में बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ये शहर प्राकृतिक सौंदर्य रूप से भी अपनी अलग ही छवि प्रदर्शित करता है। यहाँ स्थित चंबल गार्डन, किशोर सागर और जगमंदिर पैलेस, कोटा बैराज, खड़े गणेश जी का मंदिर, गढ़िया महादेव, गढ़ पैलेस म्यूजियम, गोदावरी धाम और गैपरनाथ जलप्रपात कोटा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। कोटा जयपुर से 253 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से कोटा 520 किलोमीटर दूर है और कोटा जिले की सीमाएं उत्तर में बूंदी जिले से, पूर्व में बारा जिले से, दक्षिण में झालावाड़ जिले से और पश्चिम में चित्तौड़गढ़ जिले से लगती है। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।